बिहार में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले चार दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। पटना में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं नए साल के पहले सप्ताह में दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। अगले पाँच दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कुछ खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं बिहार के बड़े हिस्से में घना कोहरा छाया रहेगा। पटना, वाल्मीकि नगर और गया में डेंस फॉग रिपोर्ट हुआ है। खासतौर पर राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में घने कोहरे का प्रकोप देखा जा रहा है। अगले तीन दिनों तक राज्य में फॉग की ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। साउथ बिहार के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। देखिए, आज जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, अगले चार दिनों तक जैसे ड्राई मौसम, शुष्क मौसम राज्य में रहेंगे, लेकिन पांचवें छठे दिन हल्की बारिश साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार में आप देखेंगे कि हल्की सी बारिश, बूंदाबांदी होने की संभावना है। जहां तक आप बात करें तापमान का, तो न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है अगले पाँच दिनों के दौरान। बट जो अधिकतम तापमान जो देख रहे हैं आप दिन में जो होते हैं 2:30 बजे करीब नापते हैं, उसमें आपको आज करीब 2 से 4 डिग्री तक आपको कमी देखने को मिलेंगी, और उसके बाद वही स्थिति बनी रहेगी अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य में। आज से ठंड कुछ अधिक देखा जा रहा है, ये कब तक रहेगा? देखिए, आज जो है डेंस फॉग रिपोर्ट हुआ है पटना, गया, वाल्मीकि नगर में, इन तीन स्टेशन में, और खास करके राज्य के जो उपग्रह चित्र में आप देखेंगे तो राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में हिस्सों में ये जो है सो डेंस फॉग का जो है प्रकोप देखा जा रहा है। ये जो फॉग की स्थिति है अगले तीन दिनों तक राज्य में आपको देखने को मिलेंगे। खास करके साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार में एक दो जगह हम लोगों ने ऑरेंज अलर्ट इशू कर रखा है कि वेरी डेंस फॉग की संभावना है, और साथ ही साथ मध्य भाग में फिर आप देखेंगे कि परसों तक, मतलब चार दिनों तक अगले इस तरह की फॉग की आप प्रभाव राज्य में देखेंगे, एक्सेप्ट पूर्वी भाग को छोड़ करके। ठंड क्या और बनेगा कि अभी और बनी रहेगा? ठंड जो दिन वाली तापमान है, जो स्थिति वो उसमें बदलाव होगी तापमान में, तो दिन में आपको ठंड लगेगी, लेकिन न्यूनतम वाले जो तापमान है उसमें कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तो ठंड फॉग कंडीशन के कारण जो रहते हैं वो आपको लगेंगे दिन में। ठंड के मौसम में बुजुर्ग और बच्चों को खास सावधानी रखनी चाहिए। अक्सर ठंड के मौसम में ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं, इसीलिए इस मौसम में सभी लोगों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीजों को लगातार चेकअप करवाते रहना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।